मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से जगन्नाथ विश्वविद्यालय बालिका संबल योजना की लॉन्चिंग की गई। योजना के तहत बीपीएल छात्राओं को न सिर्फ निःशुल्क पढ़ाया जाएगा बल्कि उन्हें हॉस्टल में भी मुफ्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए चाकसू और दोसा के 3 विद्यालयों को भी गोद भी ले रखा है। ऑडिटोरियम का निर्माण करीब 1 करोड़ की लागत से हुआ है। जगन्नाथ गुप्ता मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी नई दिल्ली के चेयरमैन दीपक गुप्ता और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर बी के अग्रवाल ने विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों, सामाजिक सरोकारों आदि की जानकारी सीएम को दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन के प्रयासों की प्रशंसा की। और इस ऑडिटोरियम का पर्पज यही है कि जो विद्यार्थी अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, कोई सेमिनार है, कॉन्फ्रेंसेस है, उसके लिए इस हॉल का हम यूज़ करने वाले हैं। आज हमारे पास 3000 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं। कोई भी जो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उसकी ये इच्छा होती है कि जगन्नाथ विश्वविद्यालय में उसका दाखिला हो। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को अच्छा इंसान भी बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य केवल उनको डिग्री देना नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। ऑडिटोरियम का बहुत अच्छा रहा और सीएम साहब के आशीर्वाद से भाई के यूनिवर्सिटी में जितने भी ये छात्र हैं बहुत ज़्यादा वो उत्साहित थे और हमने एक स्कॉलरशिप भी लॉन्च करी है जिसके अंदर ये छात्राओं को फ्री एजुकेशन ये प्रोवाइड करी जाएगी और हॉस्टल के साथ साथ उनके किताब का, खाने पीने का सब कुछ उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा।